गोलियोंग टनल चिंगथियांग पहाड़ियों के बीच से तोड़कर बनाई गई ये गोलियोंग टनल है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक टनल है। आज से 40 साल पहले यह जिंदगी बहुत ही मुश्किल थी। इस टनल का निर्माण सन 1972 में हुआ। यहाँ के स्थानीय गांव के वासियों ने बड़ी मेहनत से इस टनल का निर्माण किया है। सन 1972 यानी कि यह टनल बनाने के पहले इस रास्ते पर सिर्फ पैदल चलने की गुंजाइश थी। ये रास्ता हुएक्जियान, जिनजियान, हेनान प्रांतों के गांवों को जोड़ता था। यह यात्रा बहुत ही मुश्किल थी। करीब 720 खड़ी पहाड़ियों के बीच बने इस रास्ते को पार करना होता था। रास्ते के बीच बीच में बनी सीढ़ियां बेहद ही खतरनाक थी। वो बहुत खड़ी, सकरी और बिना रेलिंग की थी। इन परेशानियों को देखते हुए गांव के लोगों ने पहाड़ियों में टनल खोदने का फैसला किया। गांव के मुखिया शेन मिंगजिंग ने अपनी बकरियां और दवाइयां बेचकर हथौड़ा और बाकी औजार खरीदे। बड़ी मेहनत और गांव के लोगों की सहायता से इस टनल का निर्माण किया गया। करीबन 13 लोगों ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। इस 1200 मीटर लंबी टनल को खोदने में 5 साल लग गए। यह टनल 5 मीटर ऊंची और 4 मीटर चौड़ी है। इस टनल के निर्माण में करीबन 12 टन की ड्रिल रॉड और 4000 हथौड़ों का इस्तेमाल हुआ था। 1 मई 1977 में यह टनल खोला गया। टनल की दीवार में 30 अलग अलग आकार की खिड़कियां है। ये चीन में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। ये दुनिया के सबसे खड़ी सड़कों में से एक है। यही नहीं बल्कि यहाँ कई फिल्मों का शूट भी हुआ है। ऐसे ही रोमांचक तथ्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वेब हिंदी।